डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। रेलवे और सरकारी परिवहन निगम की बसों सहित सभी सेवाओं के लिए सरकार जल्द ही केवल डिजिटल तरीके से भुगतान के विकल्प के बारे में विचार कर रही है। इस सेवा को उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई तरीके भी खोज रही है। खबरों के मुताबिक भीम और भारत QR कोड जैसे पेमेंट के सरकारी उपायों के साथ इन सरकारी एजेंसियों के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के ज्यादा इंटीग्रेशन की योजना बनाई जा रही है। इस योजना के तहत डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने पर भी विचार किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक इसे लेकर सरकार गांधी जयंती के मौके पर एक बड़ा अभियान शुरू कर सकती है, जिसे गणतंत्र दिवस तक चलाया जाएगा। फिलहाल देश में कुल लेनदेन का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी भुगतानों का होता है। अगर ये भुगतान डिजिटल तरीके से किए जाए तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की संख्या में बड़ा उछाल आएगा। अभी भारतीय रेलवे 52,000 करोड़ रुपए के टिकट हर साल बेचती है और इसमें ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल की हिस्सेदारी 60% तक है। ऐसे में सरकार का मानना है कि अगर लोगों को प्रोत्साहित किया जाए तो न सिर्फ इस हिस्सेदारी में उछाल आएगा बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल लेनदेन के लिए आगे आएंगे। हालांकि इस तरीके को लेकर सरकार को पूरी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेनों और बसों में एक बड़ी आबादी सफर करती है। इन यात्रियों में ऐसे लोग भी हैं जो या तो डिजिटल लेनदेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते या फिर इसे लेकर ज्यादा जागरूक नहीं है। गांव में रहने वाली एक बड़ी आबादी अब भी डिजिटल क्रांति से कोसों दूर है। ऐसे में सरकार को इन्हें जागरूक करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN।